मैं धन्यवाद दूंगा यादव परिवार को जिन्होंने संकल्प 5 दिवसीय कथा का जो लिया वो पूर्ण करवाया है और आज कथा का चतुर्थ दिवस चल रहा है। और भगवान शिव की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शंकर की दया से ही आप और हम सब ये पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं, भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। आज हरतालिका तीज है, भादो का जो महीना होता है, श्रावण के बाद जो भादो लगता है और भादो का जो महीना होता है, इस सावन के बाद में जो भादो का महीना आता है, भादो का जो महीना होता है, ये पूरा भगवान देवदत्त महादेव के पूरे परिवार के लिए रहता है, पूरा भादो का महीना। भगवान शंकर के पूरे परिवार के लिए यह भादो का महीना रहता है। आप देखिए, सावन में अपन दर्शन करते हैं, श्रावण महीने में अपन एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, सावन के महीने में अपन भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, सावन के महीने में अपन भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की अर्चना करते हैं, और भादो के महीने में माँ पार्वती जी की आराधना करते हैं। भादो के महीने में हम मां पार्वती की आराधना कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। तो सावन का महीना शिव जी का तो है, पर भादो का जो महीना है वो भगवान शंकर के पूरे परिवार का है, पूरे परिवार का। शिव जी का संपूर्ण परिवार, भगवान देवदत्त महादेव का पूरा परिवार भादो के महीने में पूजा जाता है। हरतालिका आई, देवऋषि नारद जी के कहने पर देवऋषि नारद जी ने माता पार्वती जी को जो बाल्यावस्था में ज्ञान उपदेश दिया है, आवाज की सेटिंग करो, खींच रहा। पार्वती जी बाल्यावस्था से, पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में देवऋषि नारद जी के कहने पर लगे, देवऋषि नारद जी के कहने पर माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना कर रही। भादो के महीने में स्वयं भगवान नारायण माता पार्वती जी जब 6 वर्ष की अवस्था में हैं और वन में अपनी सखियों के साथ में तप साधना करने के लिए जब विराजमान होती हैं, तप करते 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 जब उन्हें शिव का दीदार नहीं होता, शंकर का दर्शन नहीं होता, तब माता पार्वती भगवान नारायण स्वयं आकर पार्थिव लिंग के पूजन का वर्णन करते। कल आपने और हमने कथा में सुना था कि मोती का, पारत का, स्फटिक का, माणिक का, पुखराज का, सोने का, चांदी का, हीरे का, पीतल का, तांबे का, लकड़ी का, मिट्टी का, बालू रेत का, पाषाण का, सबके शिवलिंग बनते हैं, सबका शिवलिंग का निर्माण होता है और सभी शिवलिंग की पूजन भी होती है। सारे भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना भी होती है, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन भी होती है, और ऐसा कोई शिवलिंग नहीं जिसका बल कम हो। कितना सुंदर एक बात कही गई है कि भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन का संकल्प पूरा करने के लिए लकड़ी एक एक वृक्ष को काट दिया था और नीचे की जड़ को ऐसा गोल बना दिया था शिवलिंग की आकृति का, और शिवलिंग की आकृति का गोल बनाकर भीम और अर्जुन से कह दिया कि तुम्हारा नियम है ना रोज जल चढ़ाकर भोजन करने का, ये देखो ये शिवलिंग है, पूजन करो और जल चढ़ाओ और भोजन करो। अब उन्होंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन करा, जैसे ही भोजन करा तो भीम ठाका लगाकर हंसे,
भीम ने कहा कि मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया, मैंने पेड़ को काट दिया, जड़ को मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति दे दी, और मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने तुमसे उस पर जल चढ़वा दिया, मैंने जल चढ़वा दिया। और जब मैंने जल चढ़वाया, जब मैंने तुमसे जल चढ़वाया और तुमने जल चढ़ाकर भोजन भी ग्रहण कर लिया, जल चढ़ाया मेरे कहने पर भोजन भी ग्रहण कर लिया। अब कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर मंदिर जाती हैं। कहीं कहीं मंदिर में पाषाण की शिवलिंग होता है, कहीं कहीं बालू रेत का बना होता है, कोई शिवलिंग भारत का होता है, कोई शिवलिंग स्फटिक का होता है, जो उनके मर्जी में, उनको नहीं मालूम, वो तो बस इतना जानती है कि हम भोले के और भोले हमारे। कई कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वहां का जो शिवलिंग है उसकी दिशा पूरब में, कोई कह देता है पश्चिम में है, कोई कह देता है दक्षिण में है, कोई कह देता है उत्तर में है, कोई कहता है हमको मालूम ही नहीं कि हम जिस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं उसकी दिशा किस ओर है। क्या हम मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर हमारे जल को स्वीकार कर रहा है? क्यों नहीं करेगा भगवान शिव उसको स्वीकार? क्यों नहीं करेगा भगवान शंकर? क्यों ना स्वीकार करेगा? बस क्या चाहिए? भगवान शंकर ये नहीं देखता कि तुम भगवान शिव को क्या दे रहे हो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिल से हृदय से मुझे जो चढ़ा रहे हो मैंने उसको स्वीकार करा। कल कथा में कहा था कड़प का चरित्र, कल कड़प के चरित्र का वर्णन करते हुए अपन ने सुना था कि उसने अपने मुख में जल भर लिया था क्योंकि उसके पास में पात्र नहीं था। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा मांस ले लिया, कोई जीव को मार दिया, उसका मांस हाथ में लेकर भगवान के पास पहुंच गया। वो नहीं जानता था थोड़े से बेलपत्र की जगह पर उसने पत्तियां तोड़ ली और भगवान के मंदिर पहुंच गया। तो क्या शिव नहीं मिले? शिव महापुराण में कड़प का चरित्र आता है, उस भील का चरित्र आता है, कड़प का चरित्र आता है और भगवान की कथा कहती है कि कड़प के लिए भगवान स्वयं सम्मुख में प्रकट हो गए क्योंकि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग को दे दिया। उसकी इतनी भक्ति प्रबल हो गई। जब व्यक्ति का विश्वास, जब व्यक्ति की दृढ़ता, जब व्यक्ति का भरोसा पक्का होता है तो शंकर उसे स्वीकार करते ही हैं। जैसे आज यादव परिवार ने भले प्रशासन कह दिया कि कथा बंद कर दो, कथा विराम दे दो, और कथा विराम वहां पर हो गई होगी पंडाल में, पर कथा तो कथा है। पर आपका भरोसा जब मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पूरे परिवार को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, वर्धन जी को, लक्ष्य जी को, सबको साधुवाद देता हूं मैं कि आपका लक्ष्य जो पूर्ण करा आपने, आपने आपने जो विचार कर लिया कि हमारा भरोसा दृढ़ है हमारे शिव के प्रति, हमारा विश्वास दृढ़ है शंकर के प्रति, तो शंकर ने उसको पूर्ण करने का जब आपने भरोसा रख लिया, विश्वास रख लिया, तो मेरे ओघड़दानी आज चतुर्थ दिवस की कथा में पहुंच गए और कल की कथा पांचवें दिवस में पहुंच जाएगी। बस केवल भाव से आप उसको आमंत्रित करें। एक बीच में एक भजन आया था, लोगों ने बहुत गुनगुनाया, अपने अपने स्टेटस पे भी लगाया, अपने अपने मोबाइल पे भी लगाया कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। और कई कई जीजी ऐसी भी थी जो किसी मेहमान के आने से मुंह फुला लेती थी, किसी कब देवरानी का बच्चा उसके कमरे में चले जाए तो मुंह फुला लेती थी, जेठानी का बच्चा आ जाता तो मुंह फुला लेती थी, माता पिता बुजुर्ग घर में आ जाते तो मुंह फुला लेती थी। उसने भी स्टेटस लगाया था कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। माता पिता घर में आते हैं तो मुंह फूल जाता है और राम जी आएंगे तो कुटिया के भाग खुल जाएंगे। जरा विचार करिए, अपने भीतर का एक भाव प्रकट करिए कि हमारे घर का बुजुर्ग, हमारे घर की माँ, हमारे घर का पिता, हमारे घर के बच्चे अगर भूलवश कोई गंदगी कर भी दिए हैं, हमारे घर का कोई सामान, कोई हम जिस कक्ष में रुके हैं वहाँ टेडी बियर घर सर रखा हुआ है,
तो बच्चे लोगों का खिलौना रखा हुआ है, तो मान लो कोई दूसरा बच्चा उस कमरे में आ गया, उसने टेडी बियर उठाया यहाँ से वहां रख दिया, कोई खिलौना उठाया, कोई गुड़िया उठाई, कोई खिलौना उठा के यहाँ से वहां रख दिया, तो क्या अपन नाराज होंगे? नहीं, क्योंकि खिलौने होते काई के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, चाहे अपने बच्चे खेल रहे हो, चाहे देवरानी के, चाहे जेठानी के, चाहे परिवार वालों के, ननंद के, रिश्तेदारों के, किसी के भी बच्चे खेल रहे हैं, खेल तो खिलौने से रहे। तो ये हमारे भीतर का एक भाव प्रकट करता है कि हम भजन तो लगा रहे हैं, हम स्टेटस भी लगा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे, और मालूम पड़ा घर में बूढ़े माँ बाप आ गए तो मुंह फूल गया, कोई बच्चे आ गए तो मुंह फूल गया, चार रिश्तेदार ज्यादा आ गए तो मुंह फूल गया, जरा सी देर में गुस्सा आ गया भनभना के, अब मालूम पड़ा धड़ 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 सीढ़ी से नीचे और धड़ धड़ सीढ़ी से ऊपर, मालूम पड़े अब अपनी अपन तो भजन लगा रहे हैं कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे राम जब घर आएंगे। कुटिया के भाग कब खुलेंगे? राम जी को हमने नहीं देखा, राम जी को हमने नहीं छुआ, राम जी को हमने स्पर्श नहीं किया, पर हमारे माँ बाप के रूप में, हमारे घर के बुजुर्ग के रूप में, माँ बाप के रूप में आज भी राम बसते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग के रूप में आज भी राम दिखते हैं। तो हम ये कहें कि हमारी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब राम घर आएंगे, कौन से राम? अपने माता पिता के रूप में, अपने घर के बुजुर्ग के रूप में, आपके घर के बड़ों के रूप में, आपके घर के सत्कार के रूप में। जब कोई अतिथि आ रहा है तो समझो मेरे राम आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं तो मेरे राम आ रहे हैं। घर में तुम अपने माता पिता को एक गिलास पानी पिला रहे हो, समझ लो मेरे राम को मैं जल पिला रही हूँ। अपने घर में अपन किसी बड़े का आदर कर रहे हैं, समझो कि मैं राम का आदर कर रही हूँ। आप किसी बड़े का सत्कार कर रहे हो, ये समझे कि मैं अपने घर में राम जी का सत्कार कर रही हूँ। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब राम घर। और एक लाइन और उसमें थी, क्यों रे सेलेन, क्या थी? राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। अब देखो कितनी सुंदर बात है, राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, सजाऊंगी। मालूम पड़ा कोई अपने घर के बुजुर्ग आ गए तो पहले से ही मोबाइल उठा के रखाऊंगी। कौन आ गए? देवरानी के बच्चे आ गए। कौन आ गए? जेठानी के बच्चे आ गए। कौन आ गए? घर में चार मेहमान आ गए। क्या करना है? सबसे पहले सामान छुपा के रख दो। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कल मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, ये घड़ी छुपा के रख देना, कल मेरा मित्र भोजन करने आएगा, तुम ये घड़ी छुपा देना, जूता छुपा देना, चप्पल छुपा देना और ये गुलदस्ता छुपा देना। पत्नी ने कहा, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, वो अपने सामान को पहचानता है। हम गीत गा रहे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। अब राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मालूम पड़े जीवान चला के मैं होली मनाऊंगी। अब आप किसको? पहले तो राम कौन? राम मेरे माता, राम मेरे पिता, राम मेरे घर के बच्चे, राम मेरे घर के बुजुर्ग, राम मेरे घर का इष्ट, राम मेरे घर का आदरणीय, राम मेरे घर का अतिथि। आज महाराष्ट्र में लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात हमारे घर में अगर अतिथि आया है, हमारे घर में कोई गुरु आ गया, हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं अगर गुरु घर में आ जावे, कोई अतिथि घर में आ जावे, समझ लो दीपावली आ गई, स्वयं दिवाली हमारे घर में आ गई, खूब त्यौहार हमारे घर में हो गया, खूब लड्डू बन रहा, पेड़ा बन रहा, सुबह सुबह हमारी माता जी और बहुएं मिलके रोटी को चूर के उसमें घी शक्कर मिला के इतना बड़ा लड्डू बनाकर और हमारे विकास महाराज जी को दे दी और ऊपर कहा कल न गुरु जी को दे देना। अब हमने कहा, क्यों रही ये लड्डू तो कचूर में कहा है, हमने कहा ठीक है पर हम इतना घी नहीं खाते, तो क्या नीचे माता जी बोल रही हैं हरियाणा आए हो तो मक्खन और घी तो खाना पड़ेगा। ये एक प्रेम है, ये एक आनंद है, ये एक वात्सल्यता है, ये करुणता। राम आएंगे तो कुटिया दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी।
भगवान अगर घर में बुजुर्ग माता पिता आ जाएं, घर में अगर कोई बच्चे आ जाएं, घर में चार मेहमान आ जाएं, तो हम दीपावली के लिए दिए जलाएं चाहे ना जलाएं, पर इतना जरूर करना अपनी जिभ्या से आदर के वचन जरूर कहना, सत्कार के वचन जरूर कहना कि मेरे घर में मेरे परमात्मा आज प्रवेश करे हैं, मेरे घर में आज भगवान प्रवेश करे हैं। ये एक आनंद का, ये एक आनंद का विषय है। आज हमारे कथा के यजमान श्री मुकुल जी यादव जी का जन्मदिन भी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके साधुता। आओ मुकुल जी, जरा इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, माला दीजिए। इधर जाओ, भगवान शिव की एक अविरल भक्ति, भगवान शंकर की एक अविरल भक्ति अपने जीवन का एक आनंद है। आप जितना भगवान की अलमस्तता में, आप कहो हमारे घर में राम आए, राम मतलब हमारे घर में माता पिता आते रहें, आप कहो हमारे घर में राम आए मतलब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे चाहे देवरानी के हों, जेठानी के हों, ननन के हों, हमारे घर में छोटे बच्चों का आगमन होता रहे, हमारे घर में राम आए तो ये कहो कि हमारे घर में अतिथि आते रहें। हाँ भगवान, हमारे घर में राम आए तो भगवान से प्रार्थना करो हमारे बेटी दामाद भी हमारे घर आते रहें, हमारे घर में राम आए तो कहो हमारे बुआ फूफा भी हमारे घर में आते रहें, इनके आने से हमारे घर की शोभा है। घर में मेहमान आ जाए और अपना मुंह फूल जाए और अपन स्टेटस लगा रहे राम आएंगे तो झोपड़िया सजाऊंगी, मालूम पड़े मुंह फूला के अपने कमरे में चली जाऊंगी, तो कहां मतलब। एक भाव अपने भीतर प्रकट करे, दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई परमात्मा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जीते जी हमने राम का स्पर्श नहीं करा, हमने राम को नहीं देखा, हमने राम को नहीं छुआ, पर अपने माता पिता के चरण अगर छू लेते हैं तो समझ लो कि मैंने राम को छू लिया है, मैंने राम का स्मरण कर लिया है। अगर मैंने चरण छू लिया, माता पिता के चरणों का स्पर्श कर लिया, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। पार्वती मैया 6 वर्ष की अवस्था में है, देवऋषि नारद के कहने पर तप साधना करने बैठ गई हैं, पर पार्थिव लिंग का निर्माण करना नहीं जानती। आप जिस भाव से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, आज हड़तालिका तीज है, मेरी जीजियां निराहार बिना जल के थूक भी अंदर नहीं निकलती, बिना जल के पूरी रात आज पूजन करती हैं, पूरी रात, पूरी 4 पहर की पूजन वो पूरी रात करती हैं, पूरी रात। प्रदोष के समय से पूजन चालू होती है और सुबह तक ये पूजन का क्रम उनका चलता रहता है। प्रदोष के समय से अभी सब मेरी जीजियां, जे सारी बहनें, सारी बेटियां, मैं भारत की सभी माताओं को, मैं भारत की सभी बेटियों को, मैं भारत की सभी नारियों को हड़तालिका तीज की मेरी जीजियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का सौभाग्य अखंड हो और मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब आनंद में रहें, संपूर्ण विश्व का कल्याण, संपूर्ण विश्व। और सबसे निवेदन जरूर करूंगा, आप व्रत करते हो ना करते हो, आप पूजन करते हो ना करते हो, आप उपास करते हो ना करते हो, पर भारत भूमि की अगर माताएं फुलेरे का दर्शन जरूर करें। आपके नजदीक में किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो उसे विनती कर जाएं, हमको फुलेरे का दर्शन करना है। अगर मंदिर में फुलेरा बंधा है तो वहां जाकर दर्शन करें, पर 5 जगह पर 7 जगह पर फुलेरे का दर्शन अवश्य करें और बाबा से विनती भी अवश्य करें, बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा टोर तो छंडी ना में कटी जावगी। प्रति आज का दिन आपके जीवन का एक आनंदमय दिन होना चाहिए। सावन के महीने में केवल शिव जी की आराधना होती है, श्रावण के महीने में केवल शंकर जी की आराधना होती है, पर भादो के महीने में शंकर भगवान, पार्वती मैया, गणेश जी, सदानंद कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की पांचों बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये सब प्रसन्न होती है। ये फुलेरे में जो मालाएं लगती हैं, ये फुलेरे में जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है, ये भगवान शंकर की बेटियों के भाव से, भगवान शंकर के एक परिवार की उन्नति के भाव से। फुलेरे का मतलब होता है कि खूब फलो फूलो, खूब फलो। जितना आनंद ले सकते हो उतना जीवन का आनंद लो। आनंदमय अपने जीवन को जीने का प्रयास करिए। हम आधे से ज्यादा चिंता में पड़कर अपने जीवन के आनंद को खो बैठते हैं, अपने जीवन के आनंद को खो बैठते हैं। एक लड़के ने भरी सभा में चिल्लाकर कह दिया, मैं कुतुब मीनार को सिर पे रखकर मुंबई लेकर जा सकता हूं। किसको? जम के बोलो जरा, कुतुब मीनार। मैं कुतुब मीनार को सिर पर रखकर मुंबई लेकर जा सकता हूं। दिल्ली से मीडिया के पास बात पहुंच गई, पूरे विश्व में खबर पहुंच गई, और मीडिया वाले उस लड़के के पास पहुंच गए कि तुमने संकल्प लिया है, तुम कह रहे हो, तुमने वचन दिया कि मैं कुतुब मीनार को सिर पर रखकर मुंबई तक लेकर जाऊंगा, क्या यह सच है, सत्य है? मीडिया वालों ने पूछा तो लड़के ने कहा, बिल्कुल सत्य है, बस उठाकर कोई को सिर पर रखना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य है, पर कोई उठाकर मेरे सिर पर रखे तो मैं लेकर चले। मीडिया वालों ने कहा, ये तो पागल बना दिया, वापिस चलो, वापिस। शिव पुराण कह रही है हमें शिव मिल सकता है, हमें शंकर मिल सकता है। दुनिया के लोग कहते हैं, क्या जल चढ़ाने से शंकर मिल सकता है? क्या शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी मिल सकते हैं? अब दुनिया के लोगों को शिव महापुराण के पहले, जो शिव महापुराण की कथा पहले नहीं सुनी थी, तो लोग हरतालिका तीज के फुलेरे का महत्व नहीं जानते थे, लोग फुलेरे का वर्णन नहीं जानते थे, फुलेरा दूज का मतलब नहीं जानते थे। दुनिया के लोग भगवान शंकर की हरतालिका तीज के फुलेरे के महत्व को नहीं जानते थे, मंदिर के अंदर भी फुलेरे नहीं बनते थे। पर जब से दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय से लगाया है, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ किया, तब से इस फुलेरे का महत्व दुनिया के लोगों को मालूम पड़ा कि इस फुलेरे का महत्व क्या है, इसकी छत्र छाया का महत्व क्या। एक छत्र छाया का महत्व क्या होता है? आप लोगों में से किसी ने श्रीमद् भागवत सुनी है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सुनी है? भागवत जी में एक प्रसंग आता है बामन भगवान को, एक हाथ में छत्र, दूसरे हाथ में कमंडल, भिक्षा मांगने के लिए राजबलि के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे, राजा बलि को सूचना मिल जाती है, भिक्षा देने के लिए आते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें मना कर देते हैं, मत, फिर भी वो भिक्षा दे ही दे। बामन भगवान से माता लक्ष्मी जी ने एक प्रश्न किया भगवान नारायण से, जरा समझिएगा श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर भाव। माता लक्ष्मी जी ने बामन भगवान से, भगवान नारायण से एक प्रश्न किया कि आप भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो, कमंडल लेकर जा रहे हो, यहां तक तो ठीक है, पर ये छत्र भिक्षा मांगने के लिए, छत्र की क्या जरूरत है? ये छत्र की क्या जरूरत पड़ गई जो भिक्षा मांगने के लिए आप छाता लेकर जा रहे हो? अगर कोई ब्राह्मण
किसी के दरवाजे से कुछ लेने के लिए जाए और बड़ा ठाट बाट में छत्र लगाकर सोने का चवन डोलाते हुए सोने चांदी की खड़ाऊओं को धारण करते हुए चंदन खड़ाऊ पहनकर खूब सुंदर परिधान खूब सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अगर किसी यजमान के यहाँ जाए और यजमान के यहाँ जाकर कहे भिक्षाम देही तो यजमान भी अंदर से कहेंगे बताओ इतना ठाट में तो आया है, इतना ठाट में आया है, इतनी महंगी महंगी गाड़ी से उतर रहा है, इतना महंगा महंगा ठाट है, इतना इतना बड़ा मोबाइल कटे हुए सेव फल का एप्पल का चला रहा है और मालूम पड़े तो भी भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है। अब उसके भीतर एक भाव प्रकट कि ये कैसा, तुम लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि आप भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो, आप भिक्षा लेने के लिए जा रहे हो राजा बलि के दरवाजे पर, एक हाथ में तुम्हारे कमंडल चलेगा, दूसरा बाजू में चटाई रखी है वो भी चलेगा कि आसन पे बैठना है, पर ये छत्र लेकर जाने की क्या जरूरत है। भगवान नारायण मुस्कुरा दिए और भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा लक्ष्मी ये छत्र मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रहा हूं, ये छत्र मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रहा हूं। तो छत्र किसके लिए लेकर जा रहे हो, छत्र किसके लिए लेकर जा रहे हो? भगवान नारायण ने वामन अवतार में माता लक्ष्मी से कहा, वामन पुराण कहती है, भगवान विष्णु की पुराण कहती है, सुंदर वामन भगवान का चरित्र श्रीमद् भागवत कहती है, भगवान कहते हैं ये छत्र मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रहा हूं लक्ष्मी, जब राजा बलि के पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, सब कुछ दे देगा, तीन पग में मैं सब कुछ नाप लूंगा और राजा परीक्षित राजा बलि के पास जब कुछ भी नहीं रहेगा तब वो अपना शीश मेरे चरणों में रख देगा, जब चरणों में रखेगा तो मेरे छत्र की छाया उस राजा बलि पर पड़ जाएगी और जो मेरी छत्र छाया में आ जाता है उसे वापस पुनः वही की वही प्राप्त हो जाता है, मेरी छत्र छाया में। भगवान गिरी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए दुनिया के लोग जाते हैं, मेरे कांतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए लोग चित्रकूट जाते हैं, कामतगिरी बाबा की, द्रोणार्थ की परिक्रमा करने के लिए स्वयं काशी में जाते हैं पांच कोस। भगवान जब हम परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में यह भाव आता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा क्यों, पूरा भारत का व्यक्ति गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने के लिए जाता है क्यों? तो क्योंकि वो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करा, छत्र बनाकर धारण करा और सारे ब्रजवासियों से सारे जीवों से कह दिया कि तुम इसकी छाया में आ जाओ, जब तुम इसकी छाया में आ जाओगे तो मेरी छत्र छाया में आ जाओगे और मेरी छत्र छाया में आ गए तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम क्यों कहते हैं कि शिवालय जाइए, फुलेरे का दर्शन करिए, एक लोटा जल चढ़ाइए, भगवान शंकर का गुणगान करिए, शिवालय जाओ, हम क्यों कहते हैं? मंदिर अपने क्या घर में नहीं है, क्या घर में शंकर नहीं है, क्या घर में शिवलिंग नहीं है, पर फिर भी हम कहते हैं कि मंदिर जरूर जाओ। घर में शिवलिंग है, घर में आराधना कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, पर मंदिर जरूर जाओ। क्यों जाओ मंदिर? क्या घर में शंकर जी नहीं है, क्या घर में शिवलिंग नहीं है? हमारे सोसाइटी के मंदिर में क्यों जाएं हम? वो तो अभी विराजमान हुआ, दो साल पहले ही मंदिर बना, तीन साल पहले ही मंदिर बना, भले कुछ भी हो पर मंदिर तक जाओ, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, हम तेरी चौखट तक आ ही गए, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम, हम जाए उसकी चौखट तक, हम पहुंचे उसके दरवाजे तक। भाव से हृदय से जब हम जाते हैं, दिल लगाकर हृदय लगाकर जब हम भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, शिव क्यों ना दे, छत्र की छाया भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी जी ये छत्र मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मैं राजा बलि के लिए लेकर जा रहा हूं, जब वो प्रणाम करेगा मेरे छत्र की छाया में आ जाएगा तो जितना उसने मुझे दिया है उतना उसे वापिस मिल जाएगा, और शास्त्र कहता है राजा बलि ने जो दिया था उससे ज्यादा सुतल लोक का निवासी राजा बनाकर भगवान विष्णु ने उसको विराजमान कर दिया, जो दिया उससे ज्यादा दे दिया, छत्र की छाया।
फुलेरे का मतलब क्या है? हरतालिका तीज पे मेरी बहनें, हरतालिका तीज पर मेरी जीजियां, और हम तो निवेदन करेंगे कि एक बार दिल से केवल दिखावे से नहीं, किसी और वाले महाराज ने कर दिया तो चलो अपन करके तो देखे, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, कर लो प्रैक्टिकल, तुम तो सियोर वाले महाराज की वचन का भी प्रैक्टिकल करो और करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते उन्होंने कह दिया मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, चिल्ला कर बोला महाराज इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा, तेरा सग्गा भाई पीके तो गटर में पड़ा, तू इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, तेरा सग्गा भाई पीके नाली में पड़ा, तू हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी को क्रोध नहीं आया, मुस्कुरा कर बोले भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम समझोगे कैसे, मन तुम्हारा है तुम उसको धारण करोगे कैसे, तुम अपनी चित्त वृत्ति में कैसे उतारोगे, ये तुम्हारे ऊपर। कई लोग कहते हैं हम एक बार करके तो देखे, आखिर सियोर वाला महाराज बोला है तो करके तो देखे, हम कहे कैसे भी जाओ, तुम जाओ तो सही, जब उसकी छत्र छाया में उसके फुलेरे का दर्शन करने के लिए जाओगे, उसके पुष्प का दर्शन करने के लिए जाओगे, तो हरताली का तीज के दिन हम कहें भादो सावन का महीना केवल शिव का है, भादो का महीना मेरे शंकर के पूरे परिवार का है। जब हरताली का तीज का फुलेरा बनता है उसके दूसरे दिन गणेश जी आ जाते हैं, गणेश जी के बाद रिद्धि सिद्धि आ जाती है, रिद्धि सिद्धि के बाद स्वयं सदानंद कार्तिकेय आ जाते हैं, सदानंद कार्तिक के बाद में नारायण लक्ष्मी को लेकर दिवाली के टाइम आ जाते हैं, ऐसा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आ जाती है, अमृत तत्व बरसने लगता है। हरताली का तीज के बाद त्यौहार क्यों चालू होते हैं, भादो की हरताली का तीज के बाद में हस्त नक्षत्र के बाद ये त्यौहार क्यों चालू होते हैं, क्योंकि भादो के महीने में जो फुलेरे का दर्शन कर लेता है तो उसके घर में बुद्धि के देव गणेश, उसके घर में रिद्धि सिद्धि, उसके घर में लक्ष्मी नारायण, उसके घर में स्वयं देवता सब आकर विराजमान होना चालू हो जाते हैं। ये फुलेरे का महत्व है। बस दिल से बांधो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। अरे कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले चलना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले चलना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी साथी है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी साथी है, मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा करना ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना काशी वाले से, ये कहना सीहोर वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। देखो लगन हो, आज हमको कोई ने एक वीडियो भेजा था आशीष के मोबाइल पर, एक बूढ़ी माता जी का, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं, हरियाणा की पंडाल में पहुंची थी कथा सुनने के लिए और पंडाल में हम नहीं पहुंचे, और
अब पंडाल में हम नहीं पहुंचे और वो पंडाल पहुंची, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा वो वीडियो हमको नहीं मालूम, पर उसका भाव इतना प्रबल था, इतना प्रबल उसका भाव। जरा दिखाओ जरा चैनल पे है तुम्हारे पास, चला दो जरा। हरियाणा की है, यही गुरुग्राम की है, और बिचारी वो गुरुग्राम के पास में से कहीं से आई, और उसका भाव देखिए, उसकी भाव की शुद्धता देखिए, उसके भाव की निर्मलता देखिए, जरा विचार करिए उसके भाव का। और इतना ना जाने काय पे खड़ी है वो पाइप माइप पर, वो डंडे पर चिल्ला चिल्ला के किसी ने भेजा आशीष को, आशीष ने हमको दिखाया भाव। अरे कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याती है, ये कहना सिहोर वाले से तुम्हारी याती है, मैं खुद तो आ नहीं सकती मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। एक भाव अपने भीतर प्रकट करिए, एक भाव की निर्मलता अपने भीतर प्रकट करिए, और जब एक भाव हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा तो शिव तत्व क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिलेगा। आप फुलेरे का दर्शन कर रहे हो, उसकी छत्र छाया में बैठे हो, एक पुष्प का दर्शन कर रहे हो, अर्थात हम जब मंदिर में जाएं, हम हरतालिका का दर्शन करने के लिए जाएं, हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करने के, एक भाव लेकर जाओ, एक अटल विश्वास लेकर जाओ, एक दृढ़ता लेकर जाओ, एक भरोसा लेकर जाओ, बिना भरोसे के परमात्मा के पास जाऊंगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, आप मानोगे तो गंगा है ना, आप मानोगे नहीं तो फिर वो गंगा कहां सर करेंगे महाराज, बहता हुआ पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है हम शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की, बाल्यावस्था, छोटी सी अवस्था, नहीं जानती पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है, ये उनको नहीं आता, पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है ये उनको नहीं मालूम है, माता पार्वती जी को नहीं ज्ञान, वो तो अपने देव ऋषि नारद के कहने पर बस केवल तप साधना में लगी हुई है, अपनी तप साधना में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी तप साधना में माता पार्वती जी लगी है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है, षडाक्षर मंत्र का जाप कर रही है, बड़े प्रेम से भगवान शिव को पुकार रही है, बड़े प्रेम से, एक विश्वास के साथ। पार्थिव लिंग का निर्माण करना नहीं आता उनको,
और जब भरोसे के साथ, जब विश्वास के साथ भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने की एक भाव हमारे भीतर प्रकट होता है, पार्थिव लिंग के निर्माण का। जितनी हरतालिका तीज का पूजन करने वाली मेरी जीजियां हैं, उनसे निवेदन है, जब पार्थिव शिवलिंग आप घर में बनाएंगे हरतालिका तीज के पूजन के लिए, प्रदोष काल से आप पूजन करना प्रारंभ करते हो, दूसरे दिन तक प्रातः तक आपकी पूजन चलती रहती है ब्रह्म मुहूर्त तक, तो जब आप पूजन करने के लिए पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं जिनके यहाँ पर पूजन होती है वो, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर शिवलिंग बनाइए, दिल से माता पार्वती का निर्माण करिए, दिल से आप बाबा का गणेश जी का निर्माण कर, दिल से आप उसका पूजन करिए, दिल से। किनको लेकर गई थी माता पार्वती जी? हरतालिका तीज का कथा कहती है, जब पार्वती जी अपने घर से गई थी भगवान विष्णु के साथ, देवऋषि नारद ने हिमालय राज जी को कहकर कह दिया था कि पार्वती का विवाह नारायण के साथ कर दो। पार्वती को जैसे ही मालूम पड़ा, पार्वती जी अपना घर छोड़कर चली गई, अपनी दो सहेलियां थी साथ में, दो सखी। अपनी सहेलियों के साथ जा रही है माता पार्वती, अपनी सहेलियों के साथ। और माता पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ में जब गई, माता पार्वती जी एक वन में, गुफा में प्रवेश कर गई, गुफा में प्रवेश कर वन में बैठकर माता पार्वती, दो सखियां, और बहुत ध्यान लगाना महाराज, दो सखी कौन सी है? ये तो पार्वती जी की सखी लिखी है उन्होंने, पर दो सखी कौन सी है? एक अपना मन, एक मन को सखी मान ली, और एक अपना शरीर। ये दो चीज ऐसी है, कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर तीर्थ तक पहुंच जाता है, 2-5 हजार रुपए खर्च करके तीर्थ तक चले गए, और मालूम पड़े वहां तुम्हारा मन ना लगे तो फिर तीर्थ किस काम का? सखी दो। कभी भी तीर्थ करने जाओ, गंगा नहाने जाओ, मंदिर दर्शन करने जाओ, भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन करने जाओ, हरतालिका का दर्शन करने जाओ, चाहे तुम भगवान शंकर में, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा दिल करे तुम मंदिर में जाओ, पर निवेदन इतना है कि उसके साथ जाना जिसका दिल शंकर में लगता है। मालूम पड़े मोटरसाइकिल पे मम्मी ने कहा कि बेटा मुझे शंकर जी के मंदिर ले चल, और मोटरसाइकिल की जो भट भट चालू हुई उतनी देर में उसका मुंह चालू हुआ, क्या मम्मी क्या ढोंग में लगी हो, क्यों सियोर वाले के चक्कर में पड़ी हो, क्यों तू पागल हो गई। अपनी पत्नी को भी फिर वो ज्ञान देता रहता, क्यों जा रही है, पागल है क्या, मूर्ख है क्या, ये फुलेरे के दर्शन से कुछ होता है क्या, चल मैं फूल वाले के घर ले चलता हूं, वहां पर बहुत सारी माला टंगी होगी तो उसी को देख ले। एक जो जिनकी आदत होती है ना कुछ कहने की होता है, एक पति पत्नी बैठे हुए थे, पति सुबह की चाय पी रहा था, पत्नी भी उसके पास में बैठी हुई थी, वो भी चाय पी रही थी। ये सुबह का वो मुहूर्त है जिस समय पर लड़ाई की शुरुआत होती है, पति भी चाय पी रहा है, पत्नी भी चाय पी रही है। अब पति जो है वो बड़ा तर्क करने वाला था, पर पत्नी तर्क करने वाली नहीं थी, पत्नी तो बिल्कुल भगवान की भक्ति करने वाली थी, वो हर चीज में अच्छा देखती थी और पति हर चीज में बुरा देखता था। पति ने कहा कितना बेकार जमाना आ गया, ऐसा गंदा जमाना हमने जिंदगी में नहीं देखा। इतने में पत्नी चाय पीती पीती रसिया, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, रसिया बोलते हैं, उसको डुबो के और खा रही थी। और इतने में पति बोलता जा रहा है कि कितना बेकार जमाना आ गया, सब गंदे गंदे लोग जुड़ गए संसार में, सब बेकार हो गया। का वीडियो चला है जबा? देखो एक एक हरियाणा की बूढ़ी माँ, उसका वीडियो देखिए, जो आज कल कथा नहीं सुनने को मिली ना उसको, तो पंडाल में उसने कितना कितना चिल्लाया है, उसको देखिए, चालू करो जरा, उसकी आवाज आ रही है ना, क्यों
आवाज ना आएगी तो फिर क्या मतलब वीडियो दिखाने से रहेंगे फिर क्या मतलब है शंभू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव तत्व है। तो अब अपन अपनी कथा पर चलें, जब चालू होगी आवाज माता जी की तब देखेंगे। होए चालू है। अब पत्नी वो रसिया डुबा डुबा के उसको खा रही थी है? और पत्नी रसिया डुबा डुबा कर उसको खा रही। अब पति बोला कि साहब बेकार जमाना है, साहब बेकार, साहब बेकार, सारा बेकार जमाना, बहुत। पति फिर चिल्लाकर बोला बड़ा बेकार जमाना आ गया, बड़ा बेकार जमाना आ गया। पत्नी बोली काय का बेकार, इतना जोरदार जमाना है, आज के जमाने जैसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पहले परिवार इतना बड़ा रहता था, अब छोटा हो गया। पहले के समय में कितना परेशानियां होती थी, घर में पानी टपकता रहता था, अब सब अच्छा हो गया। पहले जाने आने के साधन नहीं थे, अब सारे साधन हो गए। पत्नी सब में अच्छा देख रही, पॉजिटिव, और पति हर एक में नेगेटिव। इतने में पति को आ गया, अब जब बोली और वो डोला, ये बोली और वो डोला, अब पति को आ गया गुस्सा। अब पति तर्क करने वाला, कहले क्या बेकार हो गया, आज के जमाने में जिसका भला करो वही जूता मार कर जाता है, आज के जमाने में जिसका अच्छा करो वही गलत करके जाता है। पत्नी ने कहा ऐसा नहीं होता, सब अच्छा होता है, अपने भाग्य से होता है। इतने में पति ने कहा देख, अब पति ब्रेड पे मक्खन लगा रहा था खाने के लिए। अब मक्खन लगाते 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 पत्नी से बोला देख, जितना अच्छा करो ना आज के जमाने में उतना बुरा होता है। देख मैंने इस ब्रेड में मक्खन लगाया है ना, अगर ये ब्रेड नीचे गिरी ना तो मक्खन के बल पे गिरे। मतलब अपन तो अच्छा कर रहा है, मक्खन लगाया, उसके बाद ब्रेड गिरेगी तो मक्खन के बल पे गिरेगी। इतने में पत्नी ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि मक्खन के बल पे गिरेगी, मेरा मन कहता है कि ये मक्खन ऊपर रहेगा, ब्रेड नीचे रहेगी। मां जितना हक पुरुष का परमात्मा पर है उतना हक माता का स्त्री का भी परमात्मा पर है। माँ पुरुष को तो बाहर वन तीर्थ में जाकर भगवान का भजन करना पड़ता है तब भगवान मिलता है, पर स्त्री घर में रोटी बनाते बनाते भगवान को प्राप्त कर सकती है, ये स्त्री में गुण होता है। नारी का सबसे बड़ा फल यही है कि उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। कोई तुमसे कह दे कि तुम संन्यासन बन जाओ, मत बनो, कह देना सीहोर वाला महाराज मना करा है। तो कोई तुमसे कहे कि तुम तपस्विनी बन जाओ, तुम संत बन जाओ, मना कर देना सीहोर वाले महाराज मना करा है। हमें भगवान ने स्त्री बनाकर भेजा है। मीरा घर में रहकर जहर का प्याला पीकर भी गिरधर को प्राप्त कर सकती है। कर्मा अपने खिचड़ी बनाकर भी भगवान को खिला सकती है। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी की धर्म पत्नी माँ शारदा भगवान माँ जगत जननी को प्रकट कर सकती है। तो तुम्हें भी कह देना चाहिए कि घर में रहकर जब मीरा ने भगवान को पा लिया, घर में रहकर जब कर्मा ने परमात्मा को पा लिया, घर में रहकर ओरछा की रानी ने जब परमात्मा को प्राप्त कर लिया, घर में रहकर जब जीजाबाई शंकर को प्राप्त कर लेती है, घर में रहकर जब अहिल्याबाई शिव को प्राप्त कर लेती है, घर में रहकर पार्वती जी शंकर को प्राप्त कर लेती हैं, घर में रहकर माता लक्ष्मी नारायण को प्राप्त कर लेती हैं, तो मैं अपना घर छोड़कर ना संन्यासन बनूं, ना साधु बनूं, मैं ना तपस्वी बनूं, मैं तो केवल अच्छे घर में रहकर अपने माँ बाप की सेवा करकर बच्चों को पालते हुए भगवान का गुणगान करते हुए आगे बढ़ूंगी और मुझे मेरा शंकर मिल जाएगा, इसमें मेरा विश्वास है। कोई तुमसे कह दे तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, संन्यासन, ना 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 ना, मैं नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, अपने को तो शंकर के भक्त बनना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपने को कहीं नहीं जाना, अपने को कहीं नहीं पहुंचना, केवल शंकर के मंदिर में जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना, और वो मंदिर भी कहीं दूर नहीं, अपने घर के पास में जो मंदिर हो वहां चले जाओ। पर शिव मंदिर जरूर है। एक कथा स्मरण नहीं आ रही,
अलवर राजस्थान में कथा थी, अलवर में, अलवर की कथा में एक माता ने, हम जब वहां पर किन क्या रुके थे, विजयवर्गीय जी के, माँ विजयवर्गीय जी के यहाँ रुके थे, तो वहां शाम के समय मिलने के लिए एक माता आई और उसने कहा, गुरु जी हमने कई कथाओं में सुना है कि पति परमेश्वर होता है, हमने कहा बिल्कुल सही है, शिव जी के मंदिर अगर जल चढ़ाने नहीं जाओ उन्हीं पे चढ़ा दे तो, मैंने कहा फिर परमेश्वर तांडव रचा दे तो, तुम बात ऐसी करो कि हम मंदिर ना जाए और परमेश्वर के ऊपर जाए तो वो तांडव रचा दे तो, पति परमेश्वर है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, बहुत बहुत सावधानी से सुनना, दुनिया के लोगों को थोड़ा सा काली मिर्ची लग सकती है, लग जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव महापुराण की कथा यह भी कहती है, अपने पति के चरण छुओ, अपने घर के बुजुर्गों के चरण छुओ, उसके सिवाय कोई अच्छे से अच्छा महात्मा संत भी आ जाए तो उसके चरण ना छुओ, केवल पति और घर के बुजुर्ग, दूर से प्रणाम करो। और आप सब तो हमारी जीजियां हो, हमारी बहनें हो, इसलिए हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि मेरी बहन मेरे चरण कभी मत छूना, दूर से प्रणाम करो, भाई हम तुम्हारे, बल्कि हम तुम्हारे चरण छुए, प्रयास करो कि अपने पति के चरण छुओ और अपने घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, बाकी के किसी के नहीं, किसी के नहीं। और फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, चरण किसके छूना, और अगर मन कर भी जाए आपका कि मुझे चरण छूना ही है, तो शिव महापुराण कथा कहती है फिर जिसका आचरण अच्छा हो उसके चरण छू लो, फिर अगर चरण छूना ही है और तुमको लगे कि नहीं मुझे छूना ही है, तो किसी का आचरण अच्छा हो तो चरण छू, फिर मना नहीं, फिर वो कोई भी हो, वो किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, फिर वो चरण छू सकते हो, आचरण अच्छा होना चाहिए। वो किसी, मान लो वो कहे कि नहीं साहब हम हमारे भगवत भजन में लगे रहते हैं, हम हमारे स्मरण में लगे रहते हैं, हमारी, उसका आचरण अच्छा है, वो सब परमार्थ का कार्य कर रहा है, कोई बेकार काम नहीं कर रहा, सबके हित की बात करे, सबको नमन करे, सबको प्रणाम करे, सब हित की बात करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो आप किसी का आचरण अच्छा है तो चरण छू सकते हो, नहीं तो अपना पति परमेश्वर। तो वो चोटी वाली जीजी की एक फिल्म आई थी ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा, बस चरण छुओ पति के चरण छुओ, घर के माता पिता के चरण छुओ, घर के बुजुर्ग किसी के। क्या भगवान मंदिर में मिलेगा? मीरा को घर में मिल सकता है, कर्मा भाई को घर में मिल सकता है, यशोदा जी को घर में मिल सकते हैं, अयोध्या नरेश स्वयं अवध में माता कौशल्या के घर में अगर राम आ सकते हैं तो यह विश्वास मानकर चलना, स्त्री को नारी को भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी है, मेरे शंकर ओघड़ दानी ने स्त्री और नारी पर ऐसी करुणा कर रखी है कि इनको वन जाने की जरूरत नहीं, इनको जंगल जंगल डोलने की जरूरत नहीं, इनको घर में रहकर अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना है, इनको घर में रहकर अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, इनको घर में रहकर अपने परिवार को संभालना है, और परिवार को संभालते संभालते भगवान की भक्ति करना है, परिवार को संभालते। जब हम यादव जी के यहाँ आए थे पहले दिन, दो तारीख तो वर्धन जी की मम्मी माता जी बैठी हैं, इन्होंने एक बात कही वर्धन जी की माता जी ने कि गुरुजी हमारी देवरानी और हम दोनों में बहुत अंतर है। हमने कहा क्या अंतर है तुम दोनों में? तो वर्धन की ये माताजी बोली, उनकी देवरानी भी बैठी है यहाँ, तो वर्धन की माताजी बोली, देखो गुरुजी हमारी देवरानी घर में रहती है, वो कहीं नहीं जाती, घर में रहकर ही कथा सुनती रहती है, टीवी का वॉल्यूम तेज कर देती है और घर में रहकर ही भगवान की भक्ति कर लेती है, हमारी देवरानी ने जाने का हक हमको दे रखा,
हमसे बोलती है जीजी तुम चले जाओ मैं संभाल लूंगी, जीजी तुम जाओ मैं संभाल लूंगी, जीजी तुम होके आ जाओ मैं संभाल लूंगी। तो हम दोनों का जो साझा है ना गुरुजी, वो भगवान की बड़ी कृपा है। तो ये शिव तत्व से प्राप्त, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति से प्राप्त हुआ, ये दृढ़ता, ये विश्वास, ये भगवान शिव की अविरल भक्ति से प्राप्त हुआ। कहीं मत जाओ, हम तो बाबा के भक्तों से चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भगवान के आश्रित होकर, उसके आश्रित हो जाओ, फिर कोई दुख नहीं। हम कपिल देव महाराज माता देवती जी से कहते हैं, माता देवती से कहते हैं, माँ पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, पुरुष भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाता है, जंगल में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, स्त्री को कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो अपने घर में रहकर बुजुर्ग माता पिता का आदर करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, बच्चों का भरण पोषण करते हुए भगवान की भक्ति अगर दो क्षण की भी कर ले तो उसको परमात्मा मिल जाता है। दो क्षण की भक्ति में भी परमात्मा प्राप्त हो गया, दो क्षण। जितना समय हम परमात्मा को दें उतना समय हम अच्छाई देखने में। देखिए परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा बिंदु है शांति मन की, हृदय की। अगर हृदय शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, तो आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होगी। भीतर की शांति को लेकर आना है, आवाज खींचना पड़ रहा है, भीतर की शांति को लेकर आओ, अपने भीतर एक आत्मविश्वास प्रबल करिए। अपने भीतर एक भरोसे को, एक दृढ़ता को, एक विश्वास को प्रबल करिए। और जब अपने भीतर एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता प्रकट करेंगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्रकट हो जाएगा। मेरे भोले बाबा, मेरे भगवान पुरुष नहीं देखते, स्त्री नहीं देखते, जलचर नहीं देखते, वायुचर नहीं देखते, पशु नहीं देखते, पक्षी नहीं देखते, कोई जानवर नहीं देखते। मेरे भोले बाबा तो केवल इतना देखते हैं कि उसका उसका मन, उसका हृदय कितना पवित्र है, उसका दिल कितना पवित्र है, उसका मन कितना पवित्र है, उसका हृदय कितना पवित्र है। उसने ये नहीं देखा मेरे परमात्मा ने कि तुम कौन हो। उसने तो केवल यह देखा कि तेरा हृदय कितना पवित्र है। चींटी में और मनुष्य में एक बहुत बड़ा अंतर है। चींटी रेत पर में भी, मिट्टी में भी, रेत में, धूल में, कंकर में शक्कर डाल दीजिए, चींटी कंकर नहीं उठाएगी, चींटी मिट्टी नहीं उठाएगी, चींटी बालू रेत नहीं उठाएगी, चींटी केवल शक्कर का कण ही उठाएगी, मिठास उठाएगी। चींटी केवल मिठास उठाती है, चींटी केवल मिठास उठाने का कार्य करती है। अच्छा उठाया उसने, उसने कभी भी मिट्टी नहीं उठाई, उसने कभी कंकर नहीं उठाया,
उसने मिट्टी हो, कंकर हो, लकड़ी हो, फालतू चीजें चींटी नहीं उठाती, उसको शक्कर दिख गई, शक्कर उठा ली उसने। मनुष्य में ये एक अवगुण है। कथा सुनने भी बैठता है तो ये सोचता है कि मैं महाराज ने क्या बोला उससे मतलब नहीं, महाराज ने क्या बेकार बोला उसको उठाना है। मंदिर में दर्शन करने गया तो उसमें मनुष्य में का अवगुण है कि भगवान को जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, पर अवगुण ये देख रहा है कि कितना कीचड़ कर दिया तुमने, ये कर दिया तुमने, वो कर दिया। कई लोग मंदिर में, कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो दिन भर लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्या चढ़ा दिया, तुमने वो क्या कर दिया। अरे कभी अच्छा भी देख ले कि कितनी दूर से चलकर कम से कम सनातन धर्म के भाव से मंदिर तो आ रहे हैं, कम से कम लोग मंदिर तक तो पहुंच रहे हैं, तुम दिन भर भगवान के पास बैठने के बाद भी तुम्हारा चित्त गंदगी छाटने में लगा, तूने ये गंदा कर दिया, तूने ऐसा चढ़ा दिया, तूने वैसा चढ़ा दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। नहीं, भगवान के जितने करीब में रहो उतना अच्छा देखने का प्रयास करो। कितना बड़ा संवाद है। एक व्यक्ति बाबा महाकाल का दर्शन करने जाता था, रोज प्रतिदिन जाता था, और खोटा सिक्का महाकाल के मंदिर में चढ़ा कर जाता था, खोटा सिक्का जो नहीं चलता वो चढ़ा के जाता। रोज मंदिर में जाए, रोज खोटा सिक्का चढ़ाए, रोज मंदिर में जाए, रोज खोटा सिक्का चढ़ाए, प्रतिदिन मंदिर में जाए, प्रतिदिन खोटा सिक्का चढ़ा। अब इतने में वहां पर एक सेवादार को गुस्सा आ गया, और सेवादार, सेवा करने वाले को जब गुस्सा आया तो वो तुरंत खोटा सिक्का लेकर और वो एक संत के पास गया, महाकाल मंदिर के पुजारी जी के पास में गया और कहा, महाराज जी देखो ये रोज आता है और रोज खोटा सिक्का चढ़ाता है, रोज खोटा सिक्का चढ़ाता है। पुजारी जी मुस्कुरा दिए, महाकाल मंदिर के पंडित जी मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर बोले, कोई बात नहीं, खोटा सिक्का चढ़ाने वाले को यह मालूम है, खोटा सिक्का चढ़ाने वाले को यह ज्ञात है, उसको मालूम है कि जो दुनिया में कहीं नहीं चल सकता वो महाकाल के पास चल सकता है, इसलिए वो खोटा चढ़ाकर जाता है। जो दुनिया में कहीं ना चले, जो दुनिया में कहीं ना चल रहा है वो महाकाल के पास चल रहा है, मेरे शंकर के चरणों में चल रहा है, मेरे शिव के करीब में चल रहा है। कैसा भी हो शिव को समर्प, आप जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, आकाश का पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, कैसे हो, परमात्मा के मंदिर में कथा सुनने बैठे हो तो ये विचार कर कर बैठना कि मुझे अच्छाई ग्रहण करना है, कथा में जो महाराज जी बोले अच्छा अच्छा बोले, कि शंकर के मंदिर कैसे जाना है, पूजन कैसे करना है, फुलेरा का दर्शन कैसे करना है, क्या करना है, ये मुझे अच्छा ही ग्रहण करना है। कई लोग कथा में बैठ कर भी कथाई में से कुछ बुराइयां छाटते रहते हैं। चीटी से ये हमको सीखना है, मनुष्य में ये सबसे बड़ा अवगुण है कि वो अच्छाई को छोड़ देता है और बुराई ग्रहण कर लेता है। चीटी मिट्टी में से भी शक्कर का कण ढूंढ लेती है, चीटी रेत में से भी, बालू में से भी शक्कर निकाल लेती है, अर्थात चींटी को मालूम है कि गंदा मुझे छोड़ देना है, बेकार मुझे छोड़ देना है और मुझे अच्छा ग्रहण करना है, अच्छा ग्रहण। मेरा निवेदन है आज हरतालिका तीज के अवसर पर, जितनी मेरी जीजियां व्रत रखी हो ना रखी हो, जितने मेरे भाई, जितने मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरी माताएं, मेरे भाई, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है आज से संकल्प ऐसा ले लो कि हम जब भी भगवान के मंदिर जाएंगे हमें बुराई नहीं देखना, हम शिव के शिवालय में जा रहे हैं हमें बुराई नहीं देखना, हम कथा में बैठ रहे हैं हमें बुराई नहीं देखना, हम शिव पुराण में गए हमें बुराई नहीं देखना, हमें गंदगी नहीं देखना, हमें अच्छा ही देखना, अच्छा ही देखना। दुनिया के लोग, मैं इस कथा के माध्यम से कहना चाहूंगा वर्धन जी, दुनिया के लोग दूसरी कथाओं में अगर कहीं गए हों तो उनको बैठने के लिए सोफा, कालीन सब देखा जाता है,
पर जब शिव महापुराण की कथा होती है पंडाल लगता है बड़ा बड़ा, पंडाल पूरा भरा जाता है, बाहर रोड पर लोग बैठते हैं, ग्राउंड में लोग बैठते हैं, अपना बिछाने का साथ लाते हैं, अपना छाता साथ लाते हैं, अपनी पानी की बोतल साथ लाते हैं, वो ये नहीं देखते कि मैं कहां बैठा हूं। उसको तो लगता है कि मैं शंकर के करीब में हूं, मैं शिव के सामने हूं, मैं शंकर के पास में हूं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां बैठा, उसकी मूलता है मेरा शंकर, उसकी मूलता है शिव महापुराण का पंडाल, उसकी मूलता है शंकर तत्व को, शिव तत्व को प्राप्त करना। और हम धन्यवाद देंगे गुड़गांव के, इस गुरुग्राम के, हरियाणा के सभी श्रोता भाई बहनों को, भले तुम्हें पंडाल में बैठने का मौका नहीं मिला हो, और कल की कथा में वर्धन जी कहे हैं कि योग बनेगा और बाबा बुलाएगा, तो फिर वापिस बड़े से बड़े स्तर पर शिव महापुराण की कथा इस गुरुग्राम में होगी। और इतना बल आपको वर्धन जी को देना है, इतना बल देना है कि वो आगे चलकर इसी शिव महापुराण की कथा करवा सके, यादव परिवार इस कथा को फिर आयोजित कर सके, इतना बल आपको प्रदान करना कि वो कथा हो। और हम निवेदन करेंगे आने वाले समय में जो कथाएं हैं, जैसे ये कथा तो 3 तारीख से 7 तारीख तक कल पूर्ण हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा ऑनलाइन यहाँ कथा होगी मंडप में, और दिखाने में टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक होगी। और उसके बाद में 12 तारीख से 18 सितंबर तक सीहोर में जो हमारी गादी की कथा होती है वो कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, वहाँ इतनी जगह नहीं इसलिए उसको ऑनलाइन नहीं करते हैं, और ना वो टीवी पर आती है, बस पंडाल में वहीं अग्रवाल धर्मशाला में होती है, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहता है। फिर 20 तारीख से 24 सितंबर तक कांटा कुरीडीही कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय श्राद्ध पक्ष में कथा रहेगी। श्राद्ध में ही दूसरी कथा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक महाराष्ट्र में होगी, जहां के आमदार, जहां के विधायक महोदय इस कथा को कराएंगे। शिव महापुराण की कथा जहां तुम्हारे नजदीक में हो, और ये 16 श्राद्ध की जो कथा है इसमें निवेदन है कि जो लोग कथा के पंडाल में आ रहे हैं या मंडप में आ रहे हैं वो अपने साथ अपने पूर्वजों का फोटो भी ला सकते हैं और उस कथा को श्रवण करें। और ये संकल्प विटले सेवा समिति ने, व्यास गादी ने लिया है कि 16 श्राद्ध में 16 ही दिन जहां जहां कथा है श्राद्ध की, सब जगह पर समिति की ओर से भी भंडारा चलेगा, और उस भंडारा को समिति नहीं आप सबको मिलकर चलाना है जो टीवी चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपका सहयोग चैनल के माध्यम से प्राप्त हो और उस भंडारे को आप और हम सब मिलकर चला। 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष में खूब भाव से जितने शिव भक्त कथा सुनने आए सबका मुंह झूठा हो, आपके कण मात्र से भी वो मुख झूठा हो, बड़े प्रेम से कथा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र। और एक निवेदन है, 16 श्राद्ध में एकम तिथि हो, दूस तिथि हो, तीस तिथि हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, छठ हो, सप्तमी हो, जिनके पूर्वजों की जो भी तिथियां उस समय पर पड़ेंगी उन तिथियों में प्रतिदिन 2 दिन में 1 दिन आपको जो आप मिसकाल दे रहे हैं उस मिसकाल पर आपको एक मैसेज हर 2 दिन में पहुंचेगा श्राद्ध पक्ष का, कि अगर हमारे यहाँ पर कोई विघ्न आ रहा है श्राद्ध पक्ष में, कोई जीव चले गया अचानक और उसका कोई दोष हमारे यहाँ बताया, कालसर दोष बताया या पितृ दोष बताया या वास्तु दोष बताया, तो उसका हल कैसे कर सकते हैं श्राद्ध पक्ष में। हर 2 दिन में एक मैसेज आपके पास पहुंचेगा, जो आप मिसकाल दे रहे हैं उस मिसकाल पर आपको, केवल आप मिसकाल देंगे मतलब मोबाइल से आपने फोन लगाया एक बटन बजेगा और वो बंद हो जाता है, मिसकाल हो जाता है आपका, आपको उसमें एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, फिर आपको सूचना आना हर 2 दिन में प्रारंभ हो जाएगी। मिसकाल नंबर जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो मिसकाल कर सकते हैं 74338, फिर वापिस 74338, ये मिसकाल नंबर है जिस पर आप मिसकाल देंगे तो आप समिति से जुड़ जाएंगे और आपको सूचना आना प्रारंभ हो जाएगी। तो शिव महापुराण की कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र करे, एक विश्वास के साथ शिव से जुड़े। हम जब मिट्टी के ढेर में शक्कर पड़ी होती है और चींटी केवल मिठाई को ही चुनती है, शक्कर के कण को ही चुनती है, आप जब भगवान की भक्ति में जाएं तब भगवान की केवल चरणारविंद को ही चुने, भगवान की पवित्र कथा को ही चुने, भगवान की भक्ति को ही चुने, भजन। और खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो भोले अपने दर से अब तो न डालो गिरा जा रहा हो उठा लो। भगवान से दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, विनती करोगे तो शिव स्वीकार करेगा। अच्छा देखो, अच्छा देखिए, जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखने का प्रयास करिए, जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखने का प्रयास करिए, जितना अच्छा देख सकते। मां, कपिल देव महाराज ने अपनी माता से कहा, मां पुरुष स्त्री का भेद शिव में नहीं है, भगवान में नहीं। पुरुष अगर वन में जाकर संत बनकर साधु बनकर सन्यासी बनकर भगवान को वन में जाकर पा सकता है, तो स्त्री वन में जाकर पा सकता है, तो स्त्री अपने घर में रहकर बुजुर्गों की सेवा करकर बच्चों का भरण पोषण करकर प्राप्त कर सकती है। श्रेष्ठता दीजिए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान नारायण ने मां पार्वती जी को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना सिखा दिया, पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, माता पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना जब सिखाया, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब भगवान शंकर के शिवलिंग का एक प्रतिबिंब का निर्माण जब माता पार्वती जी ने किया, माँ जगत जननी ने किया, पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जैसे ही माँ जगत जननी ने करा, 33 कोटि देवताओं ने फूलों की वृष्टि करना प्रारंभ कर दी, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो गया। कहते हैं कि ये फुलेरा जो है, ये 33 कोटि देवता जो फूल की वृष्टि कर रहे हैं, ये फुलेरा 33 कोटि देवता जो पुष्प बरसा रहे हैं, 33 कोटि देवता जो पुष्प दे रहे हैं, ये फुलेरे का दर्शन वो 33 कोटि देवताओं के पुष्प के भाव से प्रकट हो जाता है, पुष्प के भाव से। शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग का निर्माण करा गया। भगवान नारायण देखते रहे, भगवान नारायण देखते रहे, भगवान नारायण की दृष्टि देख रहे। देवऋषि नारद, देवऋषि नारद की जैसे ही माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण किया, और देवऋषि नारद ने कीर्तन करना प्रारंभ किया, कीर्तन। पार्वती जी पहली बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी और उसको देखकर स्तुप्त हो गए। उनकी 2 सहेलियां उनके साथ में हैं, देख रही हैं, स्तुप्त हैं, देख रही है, बोल कुछ नहीं रही है। देवऋषि नारद रात्रि में खूब कीर्तन कर रहे हैं, सारी अप्सराएं आ गई, गंधर्व आ गए, सारे देवता, भगवान नारायण ने लक्ष्मी को बुला लिया, ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को बुला लिया, इंद्र इंद्राणी को बुला लिया, 64
सारी देवियां, 64 योगनियां, सारी विद्याएं। प्रथम शिवलिंग का, पार्थिव लिंग का निर्माण हुआ तब सारी विद्याएं सम्मुख में आकर कीर्तन कर। इसलिए हरतालिका तीज के दिन मेरी माताएं जब हरतालिका का पूजन प्रदोष काल में पहली पूजन जब कर लेती हैं, करने के बाद जब वो पूजन करने के बाद अपने अपने एक बार के क्रम में कहीं घर जाना है, कहीं कुछ पाना है, कुछ लेना करना है, जो भी उनका क्रम होगा, जैसे वो नियम से करती होंगी, जिस भाव से वो व्रत करती होंगी, जिसके शरीर से जैसा बनता होगा वैसा व्रत वो धारण करती होंगी, कि पहली पूजन करने के बाद कई माताएं कुछ ग्रहण कर लेती हैं, पहली पूजन करने के बाद कुछ माताएं कुछ ले लेती हैं, तो कुछ ना कुछ उनके मन में भाव उत्पन्न जैसा होगा, तो पूजन करने के बाद वो भावों से ग्रहण कर फिर पुनः जहां फुलेरा बनता है, जहां पहली पूजन होती है, वो थाली लेकर नहीं जाती, वो थाली में ही रखती है जब पूजन करती है हरतालिका वाली, तो वहीं फिर वापिस आ जाती हैं और वापिस आकर भगवान की भक्ति में ऐसी डूबती हैं, रात भर भगवान का कीर्तन करती रहती है, जैसे देवर्षि नारद करना है, रात भर कीर्तन होता है, रात भर भजन होता है, और खूब भाव से लोग भजन का स्मरण करते हैं, खूब भगवान शिव की कथा कर। पार्वती जी की सखियां देख रही हैं और पार्वती जी स्तब्ध होकर भगवान शंकर की ओर निहार रहे हैं, भगवान शिव की ओर देख रहे हैं, देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सरा नृत्य कर रहे हैं, प्रतिदिन। पार्वती जी को यह नहीं मालूम था कि आज हस्त नक्षत्र है, भादों का महीना है, तृतीया तिथि है, उनको नहीं मालूम था। सुंदर शुक्ल पक्ष है, उनको नहीं मालूम था। वो तो भगवान की सेवा में, तप साधना में इतनी डूबी थी कि उनको कुछ ज्ञात ही नहीं था, पर देवताओं ने सहयोग प्रदान करा। अचानक अगर फुलेरा, अचानक अगर पार्थिव, अचानक अगर आपके घर में बन रहा है, आज भूलवश हरतालिका के दिन भूलवश आप शंकर के शिवालय तक पहुंच गए हो, तो कहीं समझना कि शिव की बड़ी कृपा हुई है, शंकर की बड़ी कृपा, मेरे भोलेनाथ ने बड़ी दया कर दी, मेरे शंकर भगवान ने बड़ी करुणा कर दी, मेरे शंकर ने बड़ी कृपा करी है, बड़ी दया करी, मेरे शिव ने बड़ी कृपा करी। और पूजन हुई, क्या चढ़ाएं मां पार्वती, सखियां गई, बेलपत्र नहीं, पत्तियां तोड़ कर लिया, पार्वती जी के हाथ में दे दिया, समर्पित कर दिया, 7 वृक्ष की पत्तियां माता पार्वती की सखियां लेकर आई, माता पार्वती जी को दिया, समर्पित कर दिया, दौड़ कर जल लाई, पार्वती जी को दिया, जल समर्पित कर दिया, और बड़े भाव से श्रवण कर रही आनंद के साथ, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, बड़े भाव के साथ में पार्वती जी को भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पूजन का महत्व समझा रहे हैं, पार्थिव लिंग पूजन का महत्व समझा रहे हैं भगवान शिव। देखिए हरतालिका तीज की कथा कहती है कि शंकर पार्वती को यह कथा सुनाते हैं, और शिव महापुराण की कथा कर रही है भगवान नारायण माता पार्वती को यह वर्णन कर रहे हैं कि पार्थिव लिंग का महत्व क्या। जब पार्वती जी भगवान शंकर के करीब में विराजमान हो गई, जब उनकी पत्नी हो गई, अर्धांगनी हो गई, उनके बाजू में जाकर बाम अंग पर विराजमान हो गई, तब शिव जी ने कहा पार्वती तुम मुझे कैसे प्राप्त करी हो, तुम्हें मालूम है तुमने कितना तप साधना करा, तुमने कितना व्रत किया, तुमने क्या करा, ये तो बात की कथा है, पर उसके पहले की कथा यह है कि जब पार्वती जी छोटी अवस्था में थी, पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, माता पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, तब भगवान नारायण ने उन्हें पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करना बताया और उसका एक आनंद सुख बताया, एक आनंद। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नेत्र से परमात्मा को देख रहे हैं।
लैला मजनू का चरित्र पढ़ा है आप लोगों ने? लैला सुंदर थी कि मजनू सुंदर था? कभी अगर आपने चरित्र पढ़ोगे उसका तो उसमें आता है लैला मजनू में सबसे सुंदर मजनू था। लैला सुंदर नहीं थी, बिल्कुल सुंदर नहीं थी, एक अक्षर की भी वो सुंदर नहीं थी, रत्ती भर भी इतनी बेकार दिखती थी कि मजनू के घर के लोग उससे कहते थे क्यों उसके चक्कर में पड़ा है, और दूसरी बच्ची मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, उससे शादी कर देंगे, तेरी माने नहीं, नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो उससे प्रेम करता हूं, मैं तो उससे स्नेह करता हूं, मैं उससे ही शादी करूं। पूरे नगर के लोगों ने कहा, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने कहा कि लैला सुंदर नहीं है, मजनू छोड़ दे उसको, पर नहीं मैं तो। इतने में एक व्यक्ति ने आकर पूछा, तूने क्या लैला में देख लिया जो इतनी बदसूरत भी तेरे को सुंदर दिख रही है? तो मजनू कहता है कि मैं नहीं बता सकता, मेरी निगाह से कोई लैला को देखे कि लैला कितनी सुंदर है। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि आपकी निगाह शंकर जी के प्रति कैसी है, आपका दिल कैसा है, आप शंकर को अपना पिता मानती हो, आप शंकर को अपना बाबा मानती हो, आप शिव को अपना पिता मानती हो, बाबुल मानती हो, और आप दिल से शंकर को रिझाती हो, आपके अंदर शंकर के प्रति कितना भाव है। और घर के और भी लोग होंगे जिनका शंकर के प्रति भाव नहीं होगा, वो कहेंगे तुम क्या जानती हो, तुम क्या कर रही हो, क्यों जल चढ़ा रही हो, क्यों बेलपत्र चढ़ा रही हो? तो उनसे कहना, तू एक बार मेरी निगाह से शंकर को देख कर देख कि शंकर मेरा है क्या। अपनी निगाह से देख, अपनी निगाह से, अपनी दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा शिव क्या है, हमारा शंकर क्या है। दुनिया के लोग कह दें शंकर अच्छे नहीं, दुनिया के लोग कह दें जल मत चढ़ा, दुनिया के लोग कह दें बेलपत्र मत चढ़ा, कोई दुनिया के लोग कह दें कि जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कह दे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, कोई कहे कि ये तो मंत्र नहीं, ये तो ये नहीं, ये तो वो नहीं, दुनिया के लोग कहते रहेंगे, पर उनसे कहना मैंने जब से जपा है तब से मेरा शिव ने कृपा करी है, मैंने जब से जल चढ़ाया है तब से मेरे शंकर ने कृपा करी है। ये समझो, हमारी दृष्टि से देखो कि शंकर क्या है। हमें दूसरे की दृष्टि से मतलब, दुनिया तो कह रही है कि अच्छी नहीं है लैला, पर मजनू से तो पूछो कि लैला कितनी सुंदर है। मजनू कहता है कि लैला तू तो देवलोक की सारी अप्सराएं तेरे सामने फीकी हैं, देवलोक की सारी अप्सराएं फीकी हैं। मजनू कह रहा है लैला से, और लैला अफ्रीका की दिखती थी, वो इतनी इतना स्वरूप उसका था कि मजनू से कहते हैं, मजनू से कह रहे हैं कि मजनू लैला सुंदर नहीं है, छोड़ दे उसको। मजनू कहता मेरी दृष्टि से देखो। उसी तरह दुनिया के लोग आपसे कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, दुनिया के लोग कहें भगवान को जल मत चढ़ा, उससे कह देना तेरी दृष्टि अलग है, मेरी दृष्टि अलग है। तू जिस निगाह से देखता है कथा को, तू जिस निगाह से सुनता है शिव पुराण को, उसमें केवल तू बुराई ढूंढता है। और मैं जब भी सीहोर वाला महाराज को कथा श्रवण करने के लिए टीवी के सामने बैठती हूँ, मैं उसमें सच्चाई ग्रहण करती हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में शिव अच्छा है, मेरी दृष्टि में संसार अच्छा है, मेरी दृष्टि में शंकर अच्छा है। तो हमारी दृष्टि में, मजनू की दृष्टि में लैला सुंदर है, और एक भक्त की दृष्टि में भगवान भोलेनाथ सुंदर है, अति सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदावसंतम हृदयारविंदे। शिव सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, उनके बराबर कोई नहीं।